हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को इस स्वेटर डिज़ाइन बता रही हूँ और इस डिज़ाइन को आप जेंट्स स्वेटर्स, लेडीज स्वेटर, कार्डिगन, जैकेट, गर्ल्स स्वेटर में, कैप में, आप इसको किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हो। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें तीन तीन फंदे रखना है और दोनों साइड में हम एक एक फंदे लिए हैं। डिज़ाइन के बाद ये देखो, तीन फंदा करके हमने लिया है पूरा। तो फ्रेंड्स, चलिए बताती हूँ कैसे बनता है। और ये हमारा देखो फ्रंट है और बैक साइड में ऐसे है, तो बैक साइड से हमें टोटल फंदे को उल्टा उल्टा बनाना है। तो चलिए बताती हूँ कैसे बनता है और वीडियो को आप लोग पूरा देखना है, स्किप नहीं करना। इसमें हमने 19 फंदे डाला है। देखो, दो फंदा हम इधर रखेंगे और दो फंदा इधर, और 15 फंदा हमारा है बीच में, उसमें हम डिजाइन बताएंगे। तो पहले सिलाई हम ये देखो, फर्स्ट वाला फंदा हम स्लिप करेंगे, फिर सीधा बनाएंगे। तो एक सिलाई हम पूरा सीधा सीधा बनाएंगे, एक सिलाई हमें सीधा बनाना है, एक सिलाई हम उल्टा बनाएंगे। अब ये देखो, पहली सिलाई है, इसको हम पूरा सीधा सीधा बनाएंगे। ये पूरी सिलाई हम सीधा सीधा बना के कंप्लीट करेंगे। बॉर्डर के बाद हमें दो सिलाई सीधा उल्टा बनाना है, एक सिलाई सीधा और एक सिलाई उल्टा, उसके बाद फिर हम डिजाइन बताएंगे। तो ये सीधे तरफ से सीधा सिलाई हो गया पूरा हमारा पूरा फंदा। अब उल्टे तरफ से हमें फिर से पूरे फंदे को हम उल्टा उल्टा बनाएंगे। दो सिलाई बनाने के बाद तब हमारी डिजाइन इसमें स्टार्ट होगी। तो ऐसे हम पूरा फंदा कंप्लीट करेंगे उल्टा उल्टा, फिर आगे बताती हूँ। अब ये देखो, दो सिलाई कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हमें डिजाइन बनाना है। तो फर्स्ट वाला फंदा हम स्लिप करेंगे, एक फंदा हम सीधा बनाएंगे। अब धागा हम आगे करेंगे, तीन फंदा हम उल्टा बनाएंगे, एक दो तीन, ये तीन फंदा उल्टा बनाया। अब इसके बाद तीन फंदा हमें स्लिप करना है और धागा हमारा इधर ही रहेगा, एक दो तीन, फिर ये तीन फंदा उल्टा बनाएंगे। और इसको थोड़ा ढीला रखना, तीन फंदा उल्टा, फिर से तीन फंदा हम स्लिप करेंगे, एक दो तीन, फिर तीन फंदा उल्टा बनाएंगे, एक दो तीन। अभी लास्ट वाला फंदा, दो फंदा हमें सीधा बनाना है। अब उल्टे साइड से देखो हमें कैसे बनाना है इसको। ये दो फंदा हम देखो पहले उल्टा बनाएंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे। अब धागा हम पीछे करेंगे, तो ये देखो तीन फंदा है, इसको हम सीधा बनाएंगे ऐसे, एक दो तीन। अब तीन फंदा है तो धागा हमारा उधर ही रहेगा, फिर ये तीन फंदा हम स्लिप करेंगे, एक दो तीन, फिर से तीन फंदा हम सीधा बनाएंगे। फिर ये तीन फंदा हम स्लिप करेंगे, एक दो तीन, फिर से तीन फंदा उल्टा बनाए सीधा बनाएंगे। तो सीधे तरफ से हमें देखो उल्टा बनाना है, उल्टे तरफ से हमें सीधा बनाना है। अभी लास्ट में दो फंदा इसको हम उल्टा बना लेंगे। अभी सीधा साइड आ गया देखो, अभी दो फंदा हम सीधा बनाएंगे और ये तीन फंदा हम सीधा बना लेंगे। अब इसको उल्टा नहीं बनाना है, अब इसको हम सीधा बनाएंगे, एक दो तीन। अब ये स्लिप किया हुआ फंदा जो है, इसमें से हम एक सीधा बनाएंगे पहले। अब ये फंदा बीच वाला है, ये जो फंदा हमने स्लिप किया था उसके बीच वाला फंदा ही है। एक फंदा हमने इसमें लिया, एक फंदा इसमें, और ये बीच वाले फंदे में हमें ये देखो ये धागा है, इसके नीचे से ऐसे ले जाना है और इस वाले फंदे में हम बनाएंगे ऐसे सीधा, ऐसे बना के फिर इसको गिरा के फिर इसको ऐसे आगे से ले आएंगे ऐसे। अब फिर ये सीधा बना लेंगे, ये देखो ऐसे। अब ये फंदा इसमें से सीधा बनाना है, फिर ये धागे के नीचे से हम ले जाएंगे इसको और इसमें सीधा बनाएंगे
हम इसको ऐसे गिरा देंगे, फिर ये ऐसे ले आएंगे ऐसे। अभी पूरा फंदा सीधा बना लेंगे, ये देखो ऐसे बनेगा डिजाइन। और ये उल्टी तरफ से पूरा फंदा हमें उल्टा उल्टा बनाना है, टोटल फंदे को हम उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट करेंगे पूरे फंदा। ये पूरी सिलाई हम कंप्लीट करेंगे उल्टा उल्टा बना के, फिर आगे बताती हूँ। ये देखो दो सिलाई कंप्लीट हो गया, एक सिलाई डिजाइन का और एक सिलाई हम उल्टा बनाए। अभी इस बार भी हमें सीधा बनाना है, देखो पूरे फंदे को हम सीधा बनाएंगे और बीच में आपको बताते हैं, इस वाले फंदे को हमें स्लिप करना है। ये फंदा हमें सीधा बनाना है और ये बीच वाला फंदा जो हमने उठा के बनाया हुआ है इसको हमें स्लिप करना है। अभी देखो इस वाले फंदे को हम स्लिप करेंगे, ये पूरा सिलाई हमें फिर से उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट करना है। पूरे फंदे को हम उल्टा उल्टा बनाएंगे, पूरी सिलाई कंप्लीट करके ये देखो इसको भी हम उल्टा बना लेंगे जो फंदा हमने स्लिप किया हुआ है। ये देखो इसको भी हम बना लेंगे। एक डिजाइन हमारी कंप्लीट हो गई, देखो अब इसके बाद फिर से जैसे हमने यहाँ बनाया फिर से हम यहाँ बनाएंगे सेम उसी तरीके से। तीन फंदा हम उल्टा बनाएंगे, फिर तीन फंदा स्लिप करेंगे, फिर तीन फंदा उल्टा बनाएंगे, तीन फंदा स्लिप करेंगे, तीन फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर उल्टी साइड से हमें सीधा बनाना है। जो हमने उल्टा बनाया हुआ है उसको हम सीधा बनाएंगे, ये तीन फंदा हम स्लिप करेंगे, फिर तीन फंदा सीधा बनाएंगे, तीन फंदा स्लिप करेंगे। तो ऐसे हमारी डिजाइन कंप्लीट है। एक बार और बता देती हूँ, दो फंदा सीधा और धागा आगे, तीन फंदा हम उल्टा बनाएंगे, देखो एक दो तीन। अब ये तीन फंदा हम स्लिप करेंगे, एक दो तीन, फिर तीन फंदा हम उल्टा बनाएंगे, फिर ये तीन फंदा हम स्लिप करेंगे। देखो ये वाला फंदा हमारा बीच में आना चाहिए, एक दो तीन, तीन फंदा फिर से उल्टा बनाएंगे, अब दो फंदा लास्ट में सीधा बनाएंगे धागा पीछे करके। अब देखो ये सीधा साइड था, उल्टा साइड से हमें ये दो फंदा पहले हम उल्टा बना लेंगे, देखो अब धागा पीछे करेंगे, ये देखो उल्टा फंदा है तो उसको हम सीधा बनाएंगे ऐसे, एक दो तीन, फिर तीन फंदा हम स्लिप करेंगे, देखो एक दो तीन, तीन फंदा फिर से उल्टा बनाएंगे सीधा बनाएंगे, फिर तीन फंदा स्लिप करेंगे, एक दो तीन, फिर तीन फंदा हम सीधा बनाएंगे। अब धागा आगे दो फंदा हम उल्टा बना लेंगे, तो देखो ऐसे ही हमारी डिजाइन बनके कंप्लीट है और हमने बना के रखा हुआ है। ये देखो इसमें हमारी पूरी डिजाइन बनके कंप्लीट है। तो डिजाइन जैसे मैंने आपको बताया सेम उसी तरीके से बना हुआ है, ये पूरा रेडी है। आप लोग इसको ज़रूर बनाइए। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।